धन के योग कितने बने हैं, लग्न के अधिपति का लाभ में जाना धन योग, धन के अधिपति का जन्म कुंडली के लग्न में आना धन योग, तृतीय के अधिपति का बारह में जाना पराक्रम भंग योग, चतुर्थ के अधिपति का जन्म कुंडली के एकादश में जाना महाभाग्यशाली योग, पांचवें के अधिपति का लग्न में जाना भाग्यशाली और महाधनी योग, इसे बहुत तरीके से श्रेष्ठ योग कहा जा सकता है। उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आए हूँ, इनका नाम प्रमोद है और ये हैं रामगढ़ झारखंड से। इनकी कुंडली इन्होंने पूछा है, विवाह वगैरह के बारे में भी पूछा है और कुछ और भी सवाल, जैसे कैरियर कैसा रहने वाला है आदि आदि। वैसे एक बात बता दूँ, इनकी कुंडली में आप जब विवाह के बारे में सवाल पूछते हैं तो क्या होता है कि जैसे आपकी कुंडली का सातवां भाव कैसा है, आपकी कुंडली के दूसरे भाव की स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली के पंचम भाव की स्थिति कैसी है, तो क्योंकि ये जो दो भाव तीन हैं ये विवाह के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं और उसमें उनका काम करना होता है। आप इनकी कुंडली में ग्रह को देखिए, शुक्र चंद्रमा केतु एक साथ लग्न में बैठे, उसके बाद गुरु मंगल एक साथ द्वितीय भाव में बैठ गए, सूर्य बारह में बैठे हैं और बुध एकादशवें भाव में एक नंबर की राशि में, शनि स्वग्रही, मंगल नीच के गुरु उच्च के, और लाभ भाव के अधिपति नीच के हैं और लाभ के कारक गुरु ने मंगल का नीच भंग किया है। नवमांश कुंडली में जब बात करते हैं तो ये तीन नंबर यहां बना है और चंद्रमा और बुध बैठे हैं, गुरु यहां तुला के हो जा रहे हैं और राहु यहां बैठे हैं जो कि गड़बड़ कर रहे हैं, शुक्र यहां बैठे हैं जो कि अच्छी बात है, शनि का यहां बैठना ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, मंगल का यहां बैठना ये गड़बड़ है, ठीक नहीं है, यहां के अधिपति का यहां जाना ये थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब ये ठीक, इसको भी ठीक नहीं कहेंगे, तो ठीक है ये। नवमांश ने क्या लग्न कुंडली में क्या अच्छा बन रहा है, आयु के दृष्टिकोण से ये ठीक है, रिकग्निशन के दृष्टिकोण से ये ठीक है, व्यक्ति के रिसर्च और नौकरी आदि के क्षेत्र के लिए ठीक है। शुक्र और चंद्रमा का केंद्र में बैठना मिथुन राशि में व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा, आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाए, लाभ के संकेत मिलते हैं, केंद्र में द्विस्वाभाविक राशियों का बनना इसे अच्छा कहते हैं और ये लाभ की स्थिति है। केंद्र में दो दो शुभ ग्रहों का बैठना और केतु का भी शुभ ग्रहों से प्रभावित होने के कारण शुभ ग्रह हो जाना ये अच्छी बात होगी। किसके लिए, व्यक्तित्व के लिए, गंभीरता, और व्यक्ति थोड़ा पॉजिटिव नेचर का होता है, शाय नेचर का होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति स्त्री उचित होता है क्योंकि स्त्री कारक दो ग्रह केंद्र में बैठ गए। उच्च की राशि शुक्र की यहां बनी है, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और उससे वो केंद्र में बैठे हैं, तो जो ग्रह अपने उच्च की राशि से केंद्र में बैठता है उसे अच्छा कहा जाता है, यानी कि शुक्र दशम स्थान को बल देंगे, जिसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जहां भी रहेगा नौकरी पे रहेगा और पद वाले भाव पे रहेगा, उसको सिंहासन पे बिठा देंगे। एकादशवें भाव में बुध मेष राशि के बैठेंगे तो व्यक्ति को सबसे पहले तो बुद्धिमान बनाने के साथ साथ नारायण का भक्त और गुरुजनों का पूजक होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने गुरुता का भाव प्रदर्शित करने वाला होता है और कभी भी वो किसी भी तरीके से अपने से बड़ों का अनादर नहीं कर सकता, दबी जबान से भले ही उसके अंदर उसके बारे में कोई निगेटिव अप्रोच बन जाए पर वो सामने से प्रकट नहीं करेगा, मतलब वो कई बार अंतर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है, कोई भी बड़ी बात हो या छोटी बात हो वो आसानी से प्रकट नहीं करता, या फिर इंट्रोवर्ट होता है ऐसा कह सकते हैं। सूर्य बारहवें भाव में वृषभ राशि के बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह और भूमि तत्व की राशि में, शनि यहाँ पे स्वग्रही, अष्टम भाव बलवान, इस वजह से आयु, रिसर्च, खोजबीन आदि का क्षेत्र ठीक रहेगा, सूर्य का चंद्रमा के साथ द्विद्वादश के संबंध में ये चीज़ें थोड़ी कमजोर, व्यक्ति के आत्मबल के रूप में कमजोरी और पिता का खर्च करने वाला या पिता का धन खर्च होता है, राहु का प्रभाव बुध पे, इस वजह से ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा व्यापारिक सोच वाला बना देंगे और व्यक्ति व्यापारिक माइंडसेट से काम करता है और कई बार इस तरीके की ओछी हरकत कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब पैसे के लिए, धन के लिए, कुछ अपने लाभ के लिए, कई बार
कि नीचे गिर जाना मतलब ये ठीक नहीं है, ये राहु इनको लालची बना सकते हैं। और कई बार इनके ऐसे कृत्य के कारण, जैसे होता है जैसे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने छोटे से लाभ के लिए बहुत बड़ा जो है वो अवसर खो देते हैं, तो अवसर चूकने की प्रवृत्ति हो जाती है, इसको ऐसे कह सकते हैं ग्रंथ के भाषा में अगर कहूँ तो, अवसर चूकने की प्रवृत्ति हो जाती है। लाभ भाव पे मेष की जब दृष्टि पड़ेगी राहु की तो वो शत्रु की राशि है और यहाँ के अधिपति भी नीच के हैं, और गुरु जो है वो 13 डिग्री के बहुत आगे हैं और मंगल 1 डिग्री के हैं तो पीछे चले गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है दोनों का, इन दोनों का, ये उतना अच्छा नहीं है, मतलब ये डिग्री के हिसाब से बहुत क्लोज नहीं है। बैठे हैं तो नीचभंग अवश्य होगा लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो तिकड़मी या नियमित या संयमित थोड़ा अच्छा नहीं है। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धि तो है, विद्वान है, भाषा शैली बड़ी अच्छी है, पर वो दिमाग में थोड़े से ओछी हरकत वाली बात आ जाती है, जहाँ व्यक्ति को कई बार समाज से ये सुनना पड़ता है कि तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी या तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता है, इस तरीके का भाव। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे शनि व्यक्ति को बहुत ज्यादा गंभीर बना देंगे और छुप करके वार करने वाला बना देंगे, विश्वासघाती बना देते हैं। लग्न में शुक्र और चंद्रमा व्यक्ति, क्योंकि मिथुन लग्न का व्यक्ति है, मिथुन लग्न के लोगों में एक बड़ी सरल बात यह होती है कि वो आसानी से किससे कैसे लाभ लेना है ये उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, और उसके बाद उनको ये भी बात बहुत अच्छे तरीके से जच जाती है कि इस व्यक्ति को मैं ये बात कहूंगा तो वो मेरा ये काम कर देगा, या डिप्लोमेट टाइप व्यक्ति हो जाता है, ऐसी चीजें होती हैं। ज्ञान का पक्ष कभी भी कमजोर नहीं है, पिता से पैतृक संपत्ति के योग भी कमजोर नहीं है। दशमांश कुंडली में शुक्र का यहां वृश्चिक राशि में बैठना, मनोनुकूल पद नहीं मिलता या कई बार प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं, मतलब प्रमोशन से व्यक्ति पद पे प्राप्त या पद को प्राप्त करता है, और शुक्र के साथ यहाँ पे शनि का, सूर्य के साथ यहाँ पे शनि का बैठना मेहनत कश मेहनत करने वाला और पराक्रमी बनाने के साथ साथ व्यक्ति के भाग्य का बल बढ़ाने वाला हो जाते हैं। गुरु उच्च के और गुरु तुला के, जिनकी उच्च की राशि यहाँ बनी है, केंद्र में बैठे हैं, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु अच्छे हों तो मैंने जो वो बात कही थी कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वाली, वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी। वो कब होगी? जब बुध की और मंगल की दशा चले व्यक्ति के ऊपर से, तब होगी। पर गुरु की दशा में वो बिल्कुल ही सुनिश्चित हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, व्यवहारिक हो जाए, उत्कृष्ट हो जाए, सोच विकसित हो जाए, बड़े और उत्तमोत्तम धन और लाभ और सुख संपत्ति की वृद्धि हो जाती है, ऐसा काम गुरु की दशा में होगा। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि नवम के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम के भी अधिपति होकर के अष्टम का दोष लग जाता है। शुक्र इस कुंडली के लिए पंचम और बारहवें के अधिपति होकर के सामान्यतया थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ परिणाम देते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति होने के साथ साथ जन्म कुंडली के छठवें भाव के अधिपति मंगल और द्वितीय भाव में बैठे हैं, दारिद्र दोष लगाएंगे। इस वजह से आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप किसी को भी दे करके कुछ निकाल सके, तो देना लेना बंद करिएगा। आपको ऋण का देना आपके लिए भारी मशक्कत का काम हो सकता है, ऋण का लेन देन आप ना करें तो ही ज्यादा अच्छी बात है। किसी पे ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, किसी पे भरोसा करना अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, किसी के भरोसे अपने घर को छोड़ करके जाना, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, वहाँ पे ताला कुंजी अच्छे से लगी है कि नहीं, इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह के कई बार योग बन जाते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, व्यक्ति बहुत जोरदार तरीके से विरोध नहीं कर पाता है और इस वजह से उसको चाटुकारिता का प्रभाव भी करते देखा जाता है। जहाँ क्रोध करना है वहाँ क्रोध ना करे, जहाँ नहीं करना है वहाँ करके अपना काम बिगाड़ ले, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना, शनि कौन है? भाग्येश और अष्टमेश, पर ये ठीक है, पर मंगल कौन है? लाभ भाव के अधिपति और छठवें भाव के अधिपति। तो आठवें भाव और छठवें भाव के अधिपति का एक दूसरे को देखना, लाभ भाव के अधिपति और छठवें भाव के अधिपति का भाग्य भाव के अधिपति को देखना, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है और गुरु की भी मित्र की दृष्टि या फिर अपनी राशि को देख रहे हैं, तो गुरु की नवी दृष्टि यहां पे और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पे, तो भाग्य भाव के अधिपति कहीं भी देखेंगे तो भाग्य का बल देगा, तो इस वजह से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र ठीक हो जाता है, नौकरी आदि में दिक्कत नहीं होती है। पर समस्या
विवाह आदि के होने में हो सकती है, क्योंकि नीच का मंगल, जिसका नीच भंग बड़ा सामान्य तरीके का हो रहा है, इस कारण से वहां पे वैवाहिक संबंधों में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सप्तम भाव में राहु का बैठना, जो 50% का निगेटिव अप्रोच कर रहे हैं, डिग्री में वो जिस डिग्री पे बैठे हैं 26 डिग्री पे मृतप्राय होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो विषम संख्या की राशि में हैं, राहु मृतप्राय, इसका मतलब है कि ये गड़बड़ी पैदा करेंगे विवाह होने में। दूसरी वजह, पंचम भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं। लाभेश का लग्न में बैठना या लग्नेश का लाभ में बैठना, ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने वाला, तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा होने वाला और व्यवस्थित जीवन जीने वाला सुंदर मुखड़े का बना देते हैं। पर कई बार व्यक्ति को जीवन में दांतों से संबंधित समस्याएं, और कई बार व्यक्ति को बालों से संबंधित समस्याएं, कई बार व्यक्ति को नेत्र से संबंधित समस्याएं, और कई बार व्यक्ति के आत्मबल के कमजोर होने की समस्या, अंक कम पाने की समस्या, और व्यक्ति के व्यवहार को वो अप्रोच नहीं मिलता है, वो सामाजिक सद्भाव का प्रभाव नहीं मिलता जो व्यक्ति को आसानी से सबके साथ कोरिलेट कर ले, जो एक होता है ना कॉम्बिनेशन बना देना कि चलो मित्र जल्दी बन जाए, समाज का बहुत ही जल्दी होके रह जाए, तुरंत ही व्यक्ति घुल मिल नहीं पाता है, ऐसा इसको थोड़ा सा डेवलप करने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? लग्न में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, वैसे तो कुंडली कमजोर नहीं है, पर मेहनत ज्यादा करनी होगी। कारण है क्या? आपका कम्युनिकेशन भाव, जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, जैसे यहाँ के अधिपति सूर्य वो 12वें बैठे और पराक्रम का कारक मंगल नीच के हो गया, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, तो पराक्रम के कारक पे अगर शनि जैसे मंद ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो पराक्रम का बल कमजोर हो जाएगा। और सूर्य से त्रिकोण में शुक्र बैठे हैं, शनि बैठे हैं, ऐसी अवस्था में सूर्य का बल थोड़ा सा मंद हो जाता है। और दूसरी बात, तो चंद्रमा से शनि जो है वो 8वें बैठे हैं और चंद्रमा से मंगल दूसरे बैठे हैं, तो चंद्रमा से मंगल का दूसरे बैठना ये तो व्यक्ति को धनदायक बना देंगे, लेकिन चंद्रमा से शनि का 8वें बैठना ये व्यक्ति को आयु संपन्न बना देते हैं, आयु का लाभ देने वाले बना देते हैं, व्यक्ति की खोजबीन की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी हो जाती है। तो चंद्रमा और मंगल का संबंध और चंद्रमा और शनि का संबंध जातक के जीवन के लॉन्गिविटी के लिए बहुत अच्छा रहे। दाम्पत्य का क्षेत्र देर से शुरू होते देख रहा हूँ। दशम भाव आपकी कुंडली का बहुत अच्छा बना है, प्रमोशन के योग और भी बनेंगे, नौकरी के योग हैं आपकी कुंडली में, अभी दशा भी आपकी कुंडली में जो चल रही है वो बुध की चल रही है, तो आराम से अभी जीवन जी लीजिए। 2031 तक अभी बहुत बेहतर योग बनेंगे, उसके बाद केतु आएंगे जो थोड़े बहुत परेशान करेंगे, केतु की दशा में लाजवर धारण कर लीजिएगा। अभी की स्थिति के हिसाब से आपकी कुंडली में आप अगर चाहें तो शनि का रत्न नीली पहन करके देख सकते हैं या बुध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हैं। बुध अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं जिसपे राहु की दृष्टि है और गुरु का प्रभाव भी है, क्योंकि बुध से गुरु केंद्र में है और बुध से शनि भी केंद्र में है, तो बुध से शनि के केंद्र में होने से व्यक्ति के पास कम से कम ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो तकनीक का छोटा मोटा जानकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर वो कॉपी करना जान लेता है। और बुध से गुरु के केंद्र में जाने से व्यक्ति के पास सही और गलत का व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में क्या सही और क्या गलत है, पर उसको वो एडमिट नहीं करता या बता नहीं पाता, या उसको जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि धक्का देकर के सत्य बुलवाने की स्थिति में जाना पड़ता है कि आप बोलो, क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। ऐसा नहीं कि गुरु ठीक है, गुरु ठीक है, गुरु यहाँ भी ठीक है, गुरु यहाँ भी ठीक है, गुरु यहाँ भी अच्छे हैं, लग्नेश हैं, 6ठे में बैठे हैं, 8ठे में बैठे हैं, इस वजह से भी विवाह की स्तुति देर से होती है, तो आपको मंदिर में जाकर के मंत्र का जप करना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में शुक्र आर्द्रा के बैठे हैं, व्यय करने से बचिएगा, सूर्य को अर्घ दिया करिए, अपने पौरुषत्व का क्षय मत करिए। चंद्रमा पुनर्वसु के बैठे हैं, इस वजह से जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे शनि का प्रभाव आपकी कुंडली के गुरु को भी प्रभावित कर रहा है और मंगल को भी प्रभावित कर रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि गुरु और मंगल दोनों को प्रभावित कर रही है, जिससे व्यक्ति के अंदर नौकरी के योग तो बनते ही हैं शनि गुरु का प्रभाव, वहीं शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पड़ेगी, तीसरी यहाँ, 7वीं का प्रभाव मैंने बताया गंभीर और कम बोलने वाला, मधुरभाषी या कम मितभाषी बोलने वाला। और लग्न में जब शुक्र और चंद्रमा जैसे दो दो शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो व्यक्ति वाचाल हो जाए, तो जब शुक्र की दशा है तो ज्यादा बोलने लगे, चंद्रमा की दशा है तो ज्यादा बोलने लगे, बुध की दशा है तो गलतियां करने लगे या लालची हो जाए, पर शनि की दशा है तो गंभीर हो जाए। ये सब दशाओं के ऊपर निर्भर करती हैं चीजें। आप लोगों को लगता है कि ऐसा ही है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, वो बदलती हैं चीजें वक्त के हिसाब से। इसीलिए तो कहा जाता है कि ऐसा था तो ऐसा कैसे हो गया, राहु प्योर बदल देते हैं, एकदम अपोजिट कर देते हैं,
शनि जो है वो गंभीर बना देते हैं, एकदम आराम से शांत रहने वाला, एकदम अलग थलग रहने वाला, थोड़ा गंभीर विचार, गंभीर मुद्दों पे बात करने वाला। अभी बुध है तो कुमारपन में है, व्यक्ति जो है वो छल छला है, छोटी जानकारी भी उसको लगेगी कि मैंने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली, या उसको हर एक जानकारी नई जो उसको दी जाएगी लगेगा कि मैं नया जान रहा हूँ तो समाज के लोग भी उसको नहीं जानते, ऐसे बुध की दशा में होता है। कुमारपन की स्थिति होती है ना वो नेचुरली, वो इस वजह से। ये आपकी कुंडली नक्षत्र के हिसाब से सूर्य आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया अपने नक्षत्र में बैठे हैं, पर वो आपको व्यय पे नियंत्रण रखने का अवसर दे रहे हैं। डिग्री के हिसाब से थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से सूर्य को अर्घ देना आवश्यक होगा। चंद्रमा बेहतरीन, गंभीर, बुद्धिमान, यशस्वी और गुणकारी, बुध के बाद पहले मंगल आपकी कुंडली में साहसी बनाने के साथ साथ आपको सत्य बोलने की ताकत रखने वाला बनाते तो हैं, पर वो बोल नहीं पाता है क्योंकि मंगल नीच का है, जिनका नीच भंग यहाँ भी नहीं हो रहा है, परंतु वो वर्गोत्तम हो जाने के कारण कम से कम बली हो जाएंगे तो मंगल की दशा भी जातक की कुंडली में कुछ हद तक अच्छी जाने वाली हो जाती है, पर फिर भी वो रिस्क लेने लायक नहीं है, आप रिस्क नहीं ले सकते। दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति को, हालांकि पुत्र का सुख वगैरह आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में कई बार मन मुताबिक विवाह नहीं होता है, या कई बार जो है वो पत्नी जो है वो थोड़ी कमजोर परिवार से आती है, ऐसा हो सकता है, सास ससुर का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर सा होता है, ऐसा देख रहा हूँ। आपकी कुंडली के लिए 6 तारीख अच्छी रहे, दिशा उत्तर की अच्छी रहे। आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए आप जो है वो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर पूर्व दिशा भी अच्छी है, उत्तर पूर्व। आपके लिए अंक जो होगा वो अच्छा रहेगा, तुला राशि, मतलब अंक बोल रहा हूँ, मतलब राशियाँ तुला और कुंभ, कुछ हद तक कर्क भी अच्छा रहे। विवाह आदि करना हो तो कर्क राशि की जातिकाओं से कर सकते हैं, वृषभ राशि की जातिकाओं से तो नहीं, पर मिथुन राशि की जातिकाओं से कर सकते हैं, कुंभ वालों से ठीक रहेगा आपकी कुंडली के लिए। नक्षत्र पुनर्वसु का बहुत अच्छा है, पुष्य अच्छा रहेगा, मृगशिरा, कृतिका, श्रवण, हस्त, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आर्द्रा, ये कुछ अच्छे नक्षत्र बनेंगे, हस्त, ये सब कुछ अच्छे नक्षत्र बनेंगे कोई भी काम करने के लिए। सूर्य चंद्रमा मंगल मृतप्राय हैं, इस वजह से भाई जी आपके पास बोलने की ताकत कम है, तो ये जो है वो उसको बल दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बुध आपकी कुंडली में है, चालाक बना रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यापारिक सोच मत रखिएगा। गुरु शुक्र और शनि आपकी कुंडली में 100% अच्छे परिणाम करेंगे हमेशा ही। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए परेशान करने वाले ग्रह हो सकते हैं, इस वजह से उनकी दशाओं में विशेषतया सावधानी की आवश्यकता होगी। गणेश जी की पूजा आपको हमेशा ही करनी चाहिए। एकमात्र ऐसा ग्रह जो आपकी कुंडली में हमेशा ही अच्छा परिणाम करेगा वो है बुध, वो है गुरु और वो है शुक्र। ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में हमेशा ही अच्छे परिणाम करेंगे। बाकी के सूर्य चंद्रमा और मंगल के कमजोर होने के कारण कुंडली को कमजोरी प्राप्त होती है। मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति को रविवार को नमक, एकादशी का व्रत, किसी मंदिर को धोने का काम, मंदिर में दीपदान, या फिर अमावस्या को भी कम से कम दीपक जला करके या अपने पूर्वजों के निमित्त वह अमावस्या को दान अवश्य करना चाहिए। अगर श्राद्ध वगैरह नहीं किए होंगे तो श्राद्ध वगैरह पे भी ध्यान दे दीजिएगा, ये भी कर लेना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में पिता का सुख बहुत अच्छा है, माता का सुख भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, लाभ है। धन के योग कितने बने हैं, लग्न के अधिपति का लाभ में जाना धन योग, धन के अधिपति का जन्म कुंडली के लग्न में आना धन योग, तृतीय के अधिपति का 12वें जाना पराक्रम भंग योग, चतुर्थ के अधिपति का जन्म कुंडली के 11वें जाना महाभाग्यशाली योग, 5वें के अधिपति का लग्न में जाना भाग्यशाली और महाधनी योग, इसे बहुत तरीके से श्रेष्ठ योग कहा जा सकता है। 6वें भाव के अधिपति का यहाँ जाना दारिद्र दोष पैदा करे, 7वें भाव के अधिपति का 2वें में जाना अपना खुद का कारोबार और पत्नी खुद की नौकरी करने वाली, 8वें भाव के अधिपति का 8वें में बनना, यहाँ पे व्यक्ति के कुंडली में जो है वो गुह्य विषयों के बारे में समझने वाला और बहुत छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करने वाला होता है। 9वें भाव के अधिपति का 8वें में जाना, इसे थोड़ा सा कमजोर, भाग्य का बल कमजोर होगा, हालांकि दोष भी लगेगा। 9वें भाव के अधिपति के बाद 10वें भाव के अधिपति का 2वें में जाना, ये धन योग बनाए और वापस उसको देख लेना व्यक्ति को लक्ष्मी से संपन्न कर देता है। 11वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के 2वें में जाना परनीच का होना, लाभ का प्रभाव कम और व्यक्ति को चीजें प्राप्त होती हैं विलंब से, देर से या मेहनत से प्राप्त होती हैं, हो जाती हैं, पर थोड़ा कमजोर, थोड़ी सी शिकायत रहती है। पंचांग में अगर बात करूंगा तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनेगी उसके आधार पर पंचांग शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि का है, आपका चंद्रमा कमजोर है, इस वजह से शिव जी को तांबे का नाग अर्पित करिए। शनिवार को जन्मे थोड़े कुंठा से ग्रसित हैं आप, विशाख और उत्तरायण के जन्म होने से आत्मबल ठीक है, थोड़े दूर जाकर के धन कमाने की स्थिति आपकी कुंडली में ज्यादा लाभदायक बन सकती है। वैसे आपकी कुंडली में शूद्र वर्ण के हैं तो कभी कभी शूद्रता आपके जीवन में आ जाएगी, मतलब
कई बार ऐसे घृणित और निंदित काम आप कर सकते हैं, तो अपने इस प्रवृत्ति को कभी भी बल मत देने दीजिएगा और अपने आप पे नियंत्रण स्थापित करके रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, विवाह 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 छूट रहा था। आपकी कुंडली में विवाह के योग बनेंगे, जैसे अभी की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर अभी भी विवाह का योग चल रहा है, अभी भी विवाह का योग चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध में जब जन्म कुंडली में शुक्र अभी भी चल रहे हैं, तो अभी भी तो 2023 के नवे महीने से विवाह के योग चल रहे हैं। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे, जो कि जन्म कुंडली में कम से कम किसी भी ग्रह से तो दृष्ट नहीं है, 12वें हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोर, हालांकि 12वें भाव में बैठे ग्रह भी विवाह कराते हैं। और उसमें मैं अगर एक बात देखूँ तो बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में 2024 के फरवरी में आ रहा है और एक योग 2024 के जनवरी में भी आ रहा है। ये दो योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। हालांकि योग अभी भी चल रहा है, आपको प्रयास अवश्य ही कर लेना चाहिए। विवाह के लिए उत्तर पूर्व की दिशा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। राशियां मैंने बता रखी हैं, नक्षत्र बता रखे हैं, दिशा बता दिया। आपकी कुंडली में नौकरी के योग ज़्यादा हैं, नौकरी ही करिएगा। व्यापार आपकी कुंडली के लिए थोड़ा कमज़ोर होगा। वैसे अगर व्यापार कभी करना होगा तो आपकी कुंडली के आधार पर आप इत्र का कारोबार कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में लोहे से संबंधित कारोबार कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी कुंडली में फर्नीचर का कारोबार भी बनता है। चौथे नंबर पे आपकी कुंडली में केमिकल का कारोबार भी बनता है। लेकिन सबसे पहले मैंने जो बात कही है उस पे ध्यान ज़्यादा जाए। दूध दही मिष्ठान आदि से संबंधित भी कारोबार आप आसानी से कर सकते हैं। मिष्ठान भंडार भी खोल सकते हैं। दुकान का नाम र अक्षर से रख सकते हैं, स अक्षर से रख सकते हैं या च अक्षर से रख सकते हैं, कोई भी प्रतिष्ठान। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।